स्वागत है जी एक बार फिर आप सब रिलीजियस सेगमेंट में। मैं साधन के भाई जसबीर सिंह जी जो साढ़े मेहमान हैं अकाली सिंह सोसाइटी वैंकूवर तो। आज का विषय रहेगा कि जिस तरह बाणी असी देखते हैं कि भगतों की बाणी इनकलूड की गई है तो कई थावां उत्ते गुरु साहब जो हैं वो अपना विचार जो है वो भगतों की बाणी जोड़ते हैं। कि इसका यह मतलब है कि गुरु साहब वो भगतों की बाणी के नाल नहीं सोच रखते सी वक्री सोच रखते सी या कुछ होर मैसेज जो है वह गुरु साहब देना चाहते सी। इसी संबंध में आओ जानकारी लेने भाई जसबीर सिंह जी। भाई साहब जी जय हो वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह जी। सो बाणी जी असी कहने जी कि यूनिवर्सल मैसेज गुरबाणी जो दिंदी है इस करके गुरु साहब ने भगतों की बाणी इनकलूड किया पर कई थावां उत्ते श्लोकों के असं देखते हैं कि गुरु साहब नाल अपनी भी सोच जो है बाणी नाल जोड़ते हैं। इहदा आम तौर पर यही समझा जाता है जी कि गुरु साहब जो समझते सी कि नहीं ये भगतों की बाणी नहीं इत्थे कुछ होर उन्हां दी सोच हैगी है स्वै विरोधी जिन्हों असीं कहने जी कोई गल सामने आती हैगी सी कि ये सी या की कारण सी जिहदे करके गुरु साहब ने अपनी बाणी जो है विच इनकलूड की जी। नहीं देखो जी गुरु साहबान की बाणी भगतों नाल खास श्लोकों में ही नहीं बल्कि होर भी कई थाई जी बाणी गुरु साहबान ने भगतों की बाणी के संबंध में ही उचारी है जी। ये ठीक है कि बहुत सारे विद्वान ऐसा मनते हैं कि गुरु साहबान ने देखिया कि जिथे उन्होंने भगतों का विचार उन्होंने मेल नहीं खाता उत्थे उन्होंने अपना विचार देता नाल जी कि गल एवं नहीं गल आ जी। पर जो असी ध्यान नाल गुरबाणी पढ़ते हाँ और खास तौर पर जिथे गुरु साहबान की बाणी ऐसे भगतों के नाल दर्ज आ तो सानू ये गल जी ठीक नहीं लगती जी। सानू गुरबाणी विचों इसकी गवाही मिलती है ओके और जेकर भगतों का कोई विचार गुरु साहबान की विचारधारा नाल ना मिलता होता तो गुरु साहबान बजाय इस दे के उन्हों शामिल करके फिर अपनी टीका टिप्पणी कर दे उन्हों कंडेम कर दे लिखते कि नहीं भाई गल ये नहीं गल आ तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब उथान ना देंगे। ठीक भावें बहुत सारे विद्वान अज ये मनते हैं कि गुरु साहबान की विचारधारा नाल ही भगतों की विचारधारा मिलती सी ये काफ़ी हद तक गल ठीक भी आ पर असी 100% नहीं कह सकते जी। भगत असी देखते हैं कि उन्हों का वक्ो वक्रा पिछोकड़ा जी किसी का इस्लाम नाल आ किसी हिंदू धर्म के वक्ो वक्रे फिरकिया नाल आ जी जो उतों का चौगिरदा वातावरण उन्हों का प्रभाव आ उन्हों की बाणी में वो शब्दावली जिहड़ी आ जिस माहौल में हो रहे आ जिस धर्म नाल उन्हों का संबंध रहे आ जिस वातावरण में रहे आ तो उन्होंने वो शब्दावली वरती आ राइट और कई जी खास तौर पर फरीद साहब की बाणी आ फरीद साहब चूंकि उन्हों का पिछोकड़ इस्लाम आ उन्हों की शब्द बाणी में इस्लाम की शब्दावली इस्लाम इस्लाम दुनिया की मनौतं धारनावान उन्हों की आम वरतों की हुई आ जी। जिदा विसाल वजो फरीद साहब का श्लोक आ कि फरीदा महल नसखने रह गए वासा आया तल गोरा से नमानिया बैसन रूहां मल इस्लाम का विश्वास है कि जो बंदू की मौत हो जाती है तो उन्होंने मनना कि कबर जी उन्हना चिर रूह रही जिन्ना चिर क्यामत वाला दिन नहीं आता और उन्होंने मनना कि क्यामत वाले दिन मुड़े फिर उठन गए उन्होंने हिसाब किताब होगा जी। फरीद साहब उस विश्वास अनुसार ये गल कह रहे राइट पर गुरु साहब इतने उन्होंने कंडेम नहीं कर रहे अजे गुरु साहब का ये मनना नहीं राइट पर गुरु साहब ने खंडन नहीं किया इतने महाराज ने जेडे योजना गल्लां उन्होंने कोई मानता भी नहीं दिती राइट उन्होंने कोई बहुता थान नहीं दिता उन्होंने ये देखिया कि जिस भगत की बाणी शामिल कर रहे आ जिस सच की गल कर रहे वह सच उन्हें प्रैक्टिकली खुद कि अपनाया सचमुच वह इंसानियत एक रब की संतान समझ के उन्होंने प्यार करता जो लिंग भेद जात पात इलाका प्रस्ती ये विश्वास नहीं रखता जी। गुरु साहब ने यह गल्लां ध्यान रखिया उन्होंने अमली जीवन देखिया कि उस सिर्फ ख्याली उडारियां मारन कल्पना करन वाले नहीं सचमुच उन्होंने इस सच नूं अपनाया होया राइट और सचमुच वह इंसानियत के सच्चे हमदर्द आ केवल अपनी जात अपने धर्म जां अपने इलाके की नहीं बल्कि समुची मनुखता प्रति उन्होंने ऐसी सोच आ गुरु साहब जी ने उन्होंने लोगों को अपनी गल ना लाया जी उन्होंने अपने कोल बिठाया उन्होंने मान सम्मान दिता मौत तो बाद की विश्वास आ जिवें फरीद साहब ने उदाहरण दी आ
गुरु साहब ने उत्थे उन्हां दा खंडन नहीं किया कि नहीं फरीद साहब गल ही नहीं, इसलिए वखरेवा जरूर सानूं देखण नूं मिलदा। इसलिए असीं उन्हां विद्वानां नाल सहमत नहीं कि जिहड़े गल कहिंदे आ कि जिहड़ा हर शब्द जो उन्हां दा जिहड़ा सी, हर गल जिहड़ी सी, उन्हां दी पूरी सोच जिहड़ी सी ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਰਾਹ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆ, ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਐਡ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਣ। ਰਾਈਟ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਸਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖੀਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਭਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆਇਆ। ਠੀਕ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ, ਇੱਕੋ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦੂਜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਠੀਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਛਾਪ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਵੀ ਛਾਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਭਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਠੀਕ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਵਰਤਿਆ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਿਆ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆ, ਕਿਤੇ ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ
जेकर पहला गुरु साहिबान जी कोई रचना सी उस संबंध में उस ख्याल नाल मिलती जुलती आ उन्हों होर व्याख्या करती आ तो गुरु साहब ने वो जिहड़े श्लोक आ उस श्लोक दे नाल दर्ज किए हुए आ। ठीक, कुछ श्लोक ऐसे आ कि जिन्हां उत्ते कोई सिलेख नहीं दिता होया पर सानू उत्थे नानक साहब वरती हुए सानू उदों पता लगता किते आ भी नानक साहब भी नहीं वरती ना भगत का नाम दिता होया पर उत्थे उपर महले नाल पंजवा तीजा पाया है उसमें पता लगता भी ये शब्द जिहड़ा श्लोक आ ये गुरु अमरदास जी का जां गुरु अर्जन साहिब महाराज जी का जां गुरु रामदास जी का। कुछ श्लोक ऐसे आ इन्हां श्लोकां विच कि जिहड़े केवल उन्हां श्लोकां विच ही दर्ज आ और कुछ श्लोक ऐसे आ जिहड़े कि बाकी थावां ते भी खास तौर ते 12 विच जिहड़े श्लोक आ उन्हां 12 विच भी पौड़ियां नालों श्लोक दर्ज किए हुए आ। ठीक, और कुछ ऐसे है कि जिहड़े कबीर साहिब दे श्लोक आ उह श्लोक 12 विच भी दिते हुए आ और उन्हां नाल उन्हां दी व्याख्या विच उन्हां नूं होर खोलण लई उन्हां दा विस्तार विच गुरु साहिबां दा अपना श्लोक जिहड़ा उन्हां दे श्लोकां विच नहीं आया पर 12 विच जदों आया तां गुरु साहिब ने उह नाल उह श्लोक दित्ता पहलां कबीर साहिब जी दा फिर अपना श्लोक जिहड़ा उह दर्ज कीता आया। यानी जी लैने एक छोटी जी ब्रेक वापस आके होर जानकारी लेने के बड़ा सिस्टमैटिकली गुरु साहब ने जो है फंडामेंटल सेम सी कितने निखेदिया नहीं उन्होंने जिस तरह तुम्हें क्या कि भाई ये गलत है लेकिन वो एक्सप्लेनेशन जी दी ताकि समझ सानू आ सके कि गुरु साहब कहना चाह रहे हैं। इस ब्रेक तो बाद होर जानकारी लेने जी हर तरह की कानूनी सलाह लई जरूरत होंदी है तजर्बेकार ते एक्सपर्ट लॉ ग्रुप की जिथों तुहानू सही गाइडेंस मिल सके। ऐसी ही एक लॉ फर्म है सबरवाल लॉ ग्रुप जिथे तुसी आके सही कानूनी सलाह लै सकते हो। चंदन सबरवाल नामवर वकील हैं जो होर कानूनी माहरां नाल फैमिली लॉ विच स्पैशलाइज करते हैं। डायवोर्स सैपरेशन एग्रीमेंट चाइल्ड ते स्पाउजल सपोर्ट समॉल क्लेम्स घरां दी खरीदो फरोखत प्रॉपर्टी डिविजन आदि बारे इन्हां दी एक्सपर्टीज़ का फायदा जरूर लो। कॉल करो 604-638-6998। तो स्वागत करते हैं जी एक बार फिर भाई जसबीर सिंह जी साढ़े सांझ पा रहे हैं कि गुरु साहब के वालों जो भगतों की बाणी जी उसारी गई हैगी है गुरु ग्रंथ साहब जी के उस उन्हों का लिखन का की मकसद से की वह कहना चाह रहे हैं आओ होर जानकारी लेने जी कहने जी हूँ असं थोड़ी चर्चा करते हैं कि ये क्यों जाना पे राइट गल समझ ली चर्चा कर चुके हैं पहला ब्रेक तो जी कि गुरु साहबान ने उन्होंने कंडेम नहीं किया राइट बल्कि उन्होंने होर खोलिया खोलिया जिथे उन्होंने लगता सीगा कि इनू खोलन दी लोड़ आ जां इत्थे महसूस होया कि ये शब्द भुलेखा कोई खा सकदा टपला लग सकदा किसे नूं गुरु साहिब ने उत्थे अपना श्लोक उचारिया। ठीक, कुछ बाणी ऐसी आ जिहड़ी खास तौर ते शब्दां विच कि जिथे सीधा जिक्र नहीं कीता होया पर सानूं उसे राग विच जिस राग विच भगत साहिबान दा कोई शब्द आ उहदे चों कोई ऐसा संकेत दित्ता होया जिस संकेत तों सानूं पता लगदा कि ये गुरु साहबान का इतने ऐसा संकेत देन का भाव उस शब्द वाल इशारा उस शब्द इशारा इस करके है क्योंकि वो इस गल नूं होर खोलिया होया। राइट, उदाहरण वजो श्री राग विच कबीर साहब का शब्द आ जी उहदा सिलेख जिहड़ा वह हैगा कि श्री राग कबीर जीओ का इहदा भाव आ कि जिहड़ा ये राग आ ये श्री राग आ और कबीर साहब जी की बाणी और गुरु साहब उन्होंने कितना सम्मान दे रहे हैं कबीर जियो का मतलब बड़े आदर साथ महाराज उन्होंने जियो शब्द जी शब्द वरत रहे हैं कि फिर ये अगे आया कि एक सुवन कै घर गावना ये गाउन वाले लिए हदायत आ घर का सिलेख भी अर्थ आ ताल का ये गाउन वाले लिए हदायत दी हुई है कि इस शब्द को इस ताल में गाना तो इतने जिहड़ा दिता कि एक सवान कह कर गावना कि जिहड़ा कबीर साहब का शब्द आ शब्द अगे शुरू होंदा जी शब्द शुरू होंदा कि जननी जानंद सुत वड्डा होत है इतना को ना जानै जे दिन दिन अवध घटत है ये शब्द की पहली पंक्ति आ। ठीक, शब्द इस तों अगे शुरू होंदा पर पहला यह जिक्र आया जी कि एक सवान कह कर गावना हुण एक सवान कह कर गावना यह पावे है कि इस शब्द नूं उस घर विच गाउणा जिस शब्द दा जिहड़ा शुरुआत आ एक सुवान दो सुवानी नाले पहला पहली पंक्ति उस शब्द दी तो घर चौथे विच उस शब्द जिहड़ा गुरु साहिब गुरु नानक साहिब दा शब्द आ घर चौथे दा शब्द आ तां इत्थे संकेत दित्ता कि इस शब्द नूं
उस घर विच गाउणा जिस घर विच एक सुवान दुए सुवानी नाल शब्द नूं गाउण दी हदायत आ। ठीक, हुण ऐसा क्यों लिखण दी लोड़ पै गई बजाय इस दे लिखण दे सिद्धा कि घर चौथे विच गाया जाए, जिवें बहुत सारी होर बाणी है, भगतां दी बाणी भी आ जी, और गुरु साहिबान जी ने जदों बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच डाई आ तो बका दस्सदा वी फलाणे घर च गाउणी आ, पर यह लिखण दी क्यों लोड़ पै गई ये समझ लई असीं हुण पहलां ये कबीर साहिब दा शब्द पढ़दे आ जी। कबीर साहब जिहड़े कह रहे आ कि जननी जानन सुत वड्डा होत है, इतना कू न जानै जे दिन दिन अवध घटत है। राइट, मोर मोर कर अधक लाड धर, पेकत ही जम राउ हसै। इस तों अगें रहाउ दी पंक्ति आ, ऐसा तैं जग भरम लाया, कैसे बूझै जब मोया है माया। हुण इस तों अगे रहाउ तों अगे वी पंक्ति शुरू, कहत कबीर छोड़ बिखिया रस, इत संगत निहचो मरना। रमैया जपो प्राणी, अनंत जीवन बाणी, इन विद पव सागर तरना। जां तिस पावै तां लागै पाओ, परों भुलावा बिचू जाए, उपजै सहज ज्ञान मत जागै, गुर प्रसाद अंतर लिव लागै। फिर इस शब्द भी दो रहाओ आ, एक पहला रहाओ आ चुका, हुण दूजा रहाओ आ, इत संगत नाही मरना, हुकम पछाण तां खसमै मिलना। रहाओ दूजा जी, हुण कबीर साहिब ने दस्सिया कि इह जिहड़ी संगत आ, कह भी छोड़ बिखिया रस, कि जिहड़े बिखिया दे रस आ छड्डो, इह छड्ड दे। क्यों छड्ड? कि इत संगत निहचो मरना, इन्हां बिखिया दे रसां विच यकीनन तेरी मौत होगी जेकर तूं इह रस इसे तरह चखदा रहा, माणदा रहा, स्वाद लै लै के खांदा रहा, तां यकीनन तेरी आत्मक मौत होवेगी। फिर अखीर विच आखिया कि इत संगत ना ही मरना, हुक्म छाण तां खसमै मिलना। इत संगत किहदी संगत? इशारा कीता। राइट, बिखिया रसां दी व्याख्या नहीं कीती कबीर साहब जी ने, केवल इशारा कीता। राइट, कि बिखिया रस छड्ड दे। ठीक, हुण बिखिया रस है किहड़े आ? जिन्हां रसां नूं अपनाउण नाल मनुख दी आत्मक मौत हुंदी आ जी। हुण गुरु नानक साहिब दा एक शब्द आ इसे राग विच, जिस राग दे जिस शब्द बारे ये शुरू में सूचना दी हुई है, एक सुवान कह कर गावना। असीं उस शब्द नूं पढ़दे हाँ, जिहदा पहला सिलेख है श्री राग महला पहला घर चौथा जी। घर की पहला चर्चा कर आए हाँ कि श्री राग का भाव आ, कि श्री राग का यह शब्द आ महले पहले तो भाव आ, कि यह गुरु नानक साहब का शब्द आ। गुरु ग्रंथ साहब छे गुरु साहबान की बाणी आ, पहले पंज गुरु साहबान और फिर नौवें पातशाह जी। गुरु साहबान की बाणी में एक गल जी दूजिया बाणीकारा नाल वक्री आ, बाणी में गुरु साहबान की बाणी में गुरु नानक साहब महाराज तो छुट किसी होर गुरु साहबान का नाम कवि की शब्द के तौर पर नहीं वरत्या गया। राइट, सारे गुरुआं ने नानक शब्द की वरतों ही की आ जी। पर यह किवें पता लगे कि यह शब्द किहड़े गुरु साहब का? राइट, यह सानू सिलेख तो पता लगता। गुरु साहबान ने शुरू में जिथे पहला राग का मैनशन किया, उत्थे फिर महले तो बाद जिहड़े अंक लिखे हुए आ जी, मैं पहला दूजा तीजा चौथा पंजवां नौवां, इन्हां अंकों तो सानू पता लगता कि यह जिहड़ा शब्द आ यह किहड़े गुरु साहबान का। ठीक, शब्द तो सानू नहीं पता लगता। राइट, क्योंकि शब्द सारे नानक ही वरत्या आया, हम कुछ इतिहासिक शब्द जिहड़े आ उन्हां बारे जरूर असीं अंदाजा ला लांगे कि फलाने समय गुरु साहब का इसी उन्हां दा होवेगा, अदरवाइज सानू नहीं पता लगता। ठीक, हुण जिहड़ा शुरू भी दिता होया सिरलेख उदों सानू पता लग जांदा कि यह शब्द जिहड़ा यह फलाने महले दे आ, जिहदा मैं कबीर साहब दा आया सीगा जिक्र किया होया अपना शुरू विच ही, श्री राग कबीर जी योगा, फिर कबीर जी का नाम भी आउंदा कि कबीर साहब जी का शब्द आ और कवि की शाब भी कबीर आउंदा, पर गुरु साहबान की बाणी में ऐसा नहीं। ठीक, हुण इसलिए शुरू में जिहड़ा सिरलेख आ श्री राग महला पहला, श्री राग दे विच इह जो शब्द महले पहले का शब्द आ जी, हुण घर चौथा कि यह जिहड़ा महले पहले का श्री राग का शब्द आ, यह चौथे घर विच गाउणा, भाव उस ताल विच गाउणा जिस ताल विच चार तालियां वजदियां। राइट, घर जिहड़ा जदों सिरलेख विच आउंदा तां इहदा मतलब आ ताल। हुण शुरू हुंदा इह शब्द, एक सुवान दोए सुवानी नाल, भलके भौकें सदा ब्यार।
कूड़ छुरा मुठा मरदार धानक रूप रहा करतार इस तो अगे राहो दी पंक्तियां शुरू होंदियां मैं पद की पंद ना करनी की कार हौ बिगड़ै रूप रहा बिकरार तेरा एक नाम तारे संसार मैं इह आस इहो आधार हुण गुरु साहब अगे दस रहे हैं कि बिखै रस किहड़े आ किहड़े आ राइट और फिर कहिंदे आ मुख निंदा आखां दिन रात पर कर जो ही नीच सनात काम क्रोध तन वसें चंडाल धानक रूप रहा करतार फाही सुरत मलूकी वेस हौं ठगवाड़ा ठगी देस खरा सियाना बहुता पार धानक रूप रहा करतार जी। मैं कीता ना जाता हराम खोर हौं क्या मुँह देसा दुष्ट चोर नानक नीच कह विचार धानक रूप रहा करतार ठीक ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਦੱਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਈਟ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਦੱਸੇ ਆ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋਣਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ गुरु नानक साहब का ये शब्द आ जिदे खुल के व्याख्या की विख्या रसिया की कि आ विख्या रस आ हूँ जो कबीर साहब जी कहते हैं कि ये संगत इन्हों की संगत भी जोड़ा वो मरना नहीं होंगे तो इन्हों विख्या रसा की गल करते ठीक कि निंदा नहीं करनी चुगली नहीं करनी काम क्रोध में खचत नहीं होना पखंड नहीं करना ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਮੌਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਗੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ इस दे उत्ते जी ए क्योंकि बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है कभी भी असी टच नहीं किया यहो जे टॉपिक नूं तो चाहोंगे इस नूं असी अगले हफ्ते कंटिन्यू रखांगे तुहाडा धन्नवाद इत्थे आ के सांझ पाउण लई वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह इस नाल ही करदे हां जी अज दे इस प्रोग्राम दी इत्थे ही समाप्ति फीडबैक जरूर देना 604-603-7555 या फिर ईमेल जरिए संपर्क कर सकते हो हरप्रीत सिंह शो @gmail.com फिर मुलाकात होएगी तद तक गुड बाय